वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी फिलहाल मैं घर में और अभी चल रही दिवाली की सफाई, तो इसलिए मैंने एकदम मास्क और फुल ये टोपी वगैरह सेट कर रखा है। और मैं साफ़ कर रहा हूँ अभी ये वाले बोर्ड जो साफ़ करने होते सबसे ज़्यादा। तो ये हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी फ़िलहाल मैं हूँ घर पे और अभी फ़िलहाल चल रही है दिवाली की सफाई। और दिवाली का फटाके स्टैश भी आने वाला है कुछ ही दिनों में। और अभी फ़िलहाल मैं सफाई कर रहा हूँ, एमसीबी गिरा दी गई है। मैं ये बोर्ड साफ़ कर रहा हूँ, देखो कितने गंदे हैं ना, इनको मैं साफ़ कर देता हूँ एकदम। ये वाला कॉलिन से, इस कॉलिन को मैं ये कपड़े पे लगाऊंगा और फिर इसको साफ़ कर दूँ, इसको चमका के मिलता हूँ। ठीक है, रुक जाओ, उसके बाद आगे कभी दिखाता हूँ, वहाँ पर भी कुछ सफाइयाँ चल रही हैं। एमसीबी गिरा रखी है इसलिए लाइट नहीं आ रही। और ये देखो पूरा किचन भगरा हुआ है। ये बोर्ड देखो कितना गंदा है, इसको चमकाना है, ये बोर्ड चमकाना है। बाकी मंदिर मैंने चमका चुका है, चलो इस पे काम पे लगते हैं, फिर दूसरा काम ढूंढते हैं अपन। ओके, फिलहाल यहाँ से एमसीबी गिराई थी क्योंकि साफ करना था, तो इनको उठाते हैं। अभी फिलहाल मेरा बोर्ड का काम हो चुका है कंप्लीट, तो अभी फिलहाल मैं आ गया हॉल में, हॉल की सफाई करना क्योंकि ये सारे पर्दे निकलेंगे, यहाँ की पूरी सफाई होगी। और देखो मम्मी सफाई ही कर रही है, उसके मम्मी को नहीं दिखाना है, उसकी वजह से सफाई चल रही है पूरी। यहाँ पर पूरी सफाई होगी, मतलब ये जो है ना इसके अंदर से डस्ट निकालनी है मुझे। मैं अभी वो लेके आता हूँ, मेरे को ये साफ़ करना है, ये पूरा ये वाला। और ये कॉलिन से ये भी साफ़ कर दूंगा, और ये अपना एक्वेरियम भी साफ़ करना है। और इसके अंदर जो राजा है, ये नहीं, ये रानी पता नहीं क्या है, लेकिन इसका नाम हमने श्री रखा है। इसकी भी सफाई करनी है। और ये सारे वो जो गुड्डा गुडिया और वो सब थे वो वहाँ टीवी के वहाँ लगे हुए थे, वो निकाल दिए बस। अब ठीक है, कितनी धूल है, धूल देख रहे हो आप? मम्मी फोन में बात कर रही है तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा। ये देखो सफाई, अभी फिलहाल आपको लग रहा होगा कि इस लेवल में क्या ही सफाई करनी है। देखो दिखाता हूँ, ये दिख रही है धूल, देखो उसको ऐसे हटाऊंगा। देखो ये देखो कितनी ज्यादा सफाई आ रहा हूँ, मम्मी बुलाने लगी। ये देखो सफाई देख रही है, मम्मी ब्रश लेके ये साफ कर रही है जो इसके अंदर का पूरा कचरा है। देखो ये पूरा निकल जाएगा यहाँ से मस्त पीके। इसकी रेट नहीं पता, लेकिन मुझे ये इतने बड़े दिए मिलते हैं। आगे कुछ भी बोल रही है, कुछ तो है ये। अबे हाँ, ये गुल्ला की है, देखो ये मिट्टी के। वाओ, अभी फिलहाल देखो लाइट का काम स्टार्ट हो गया है। यहाँ भी लगनी है अभी, लेकिन बहुत कम, मतलब लगेगी। और यहाँ पे लाइट का काम स्टार्ट हो गया, बस लगी जाएंगी थोड़ी देर में। और देखो बच्चे लोग खेल भी रहे हैं। ठीक है, ये लाइट मैं ही लगवा रहा था, अभी आया था वीडियो बनाने, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं हूँ छत में। और अभी फ़िलहाल मैंने दो तीन चीज़ नोटिस की कि छत में ये जो है ना, ये बाउंड्री यहाँ पे अपना वो हो चुका है, क्या कहते हो, पेंट हो गया है। और वो रहा मंदिर जो मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, वो वाला मंदिर है। अभी उसके ऊपर गुम्बद गुम्बद बननी है, अभी बहुत सारी चीज़ें। ये देखो पहले ये वाला कलर था, अब ये हुआ है वाइट कलर, और लेकिन तब भी ऊपर हम लोग ने ये कुछ ग्रे टाइप का करवाया, ठीक है। तो ये पूरे में हुआ है, और एक दो चीज़ और हुई हैं जो कि ये है, ये रेड कलर यहाँ पे पुता है थोड़ा सा, ये है ज़्यादा नहीं। और कल अंकल आएंगे तो अंदर साइड से हो सकता है करें, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे भी और हो चुकी है, ये पूरी झालरें टंग चुकी हैं। रात में देखना अच्छी लगेगी, लेकिन वहाँ पर अभी दो तीन झालर और बचे हैं, ठीक है, रात में अच्छी लगती हैं सब चीज़ें। तो और यहाँ पर सारे प्लांट हम लोग यहाँ पर सजा देंगे, ये देखो पूरा रखे हैं, ठीक है। और ये कलर हुआ है यहाँ पे, बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन इसके ऊपर येल्लो होगा अभी, कल या परसों। और वहाँ पे एक पपीता का प्लांट लगाया था, हम ही लोग ने लगाया था। ये एक लैंप टाइप का है, इसको ना ये तीन लगाते हैं, एक दो तीन यहाँ पे लगा दो, उसके बाद ये उस टाइप का है, ये नीचे ना इसको गर्म होने लगते हैं, ठीक है। और उसमें इत्र डाल सकते हो आप, जैसे कि ये इत्र डाल दो और कपूर डाल दो। तो मैंने देखो 1 2 3 4 4 कपूर डाले। सबसे पहले इसकी लाइट जल जाएगी, लैंप बन जाएगा, बहुत सुंदर लगता है यार, मज़ा आ जाता है इसको देख के। उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी देखो बटन है, उसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे रेड लाइट जलेगी, ठीक है। रेड लाइट जली, इस रेड लाइट से ये ऊपर वाला गर्म होने लगेगा, ठीक है, मतलब इसका अंदर का प्लग हो चुका है कि ये गर्म होएगा। उससे तब जब ये पूरा गर्म हो जाएगा ना, तब ये ऐसे धुआँ फेंकता है ऐसे ऊपर की तरफ, इसलिए कपूर का जो वो रहता है वो स्मेल करता है बहुत अच्छा, पूरे घर में स्मेल कर देता है। और यहाँ की एक दो, ये दो लाइटें हैं ना, ये वाली जो लगी हुई है, ये भी चेंज होनी है। ये देखो यहाँ की निकल गई, साइज़ लेने गए थे पापा, यहाँ पे भी नई लाइटें लग रही हैं। और पंखे हम लोगों ने चमका दिया है मस्त, और झूमर भी हम लोगों ने कल चमकाई है। और एक चीज़ और आई है, लास्ट में दिखाऊंगी, वो देखो वो दिख रही है ऊपर, ये झूमर, ये वाला जो लगा हुआ है, ये वाला जो लगा हुआ है, ये वाला, इसको मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा, जब बम बम फूटने जाएंगे तब दिखाऊंगा, ठीक है।
और अभी पटाखे भी आए, थोड़े बहुत दिखा देता हूँ। चलो तो देर से वेट ही कर रहे थे, वो रखे हैं देखो बोरी में, रुक जाओ अभी दिखाओ। बोरी मैंने यहाँ से बाहर निकाल ली। सबसे पहले तो ये वाला जो डब्बा है ये पूरे स्काई शॉट का है। वैसे मेरे हिसाब से यूट्यूब मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक मत मान, मतलब स्ट्राइक मत देना, क्योंकि मैंने सिर्फ पटाखे दिखाए हैं, यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो ये जो है ये सबसे पहला हमारा स्काई शॉट, ये 30 शॉट है, ये में हम लोग यहाँ का अभी मतलब अभी का सबसे बड़ा स्काई शॉट है, ठीक है। उसके बाद मतलब ये बहुत ज़्यादा तगड़ा, और वीडियो बनाने में थोड़ी सी दिक्कत जा रही है, बट ठीक है। और ये जावा का है, चलो छोड़ो। ये दूसरा स्काई शॉट है 25 शॉट्स, ठीक है, ये भी बहुत तगड़ा है। मैंने बुला लिया था एक काम के लिए, चलो छोड़ो। ये है हमारा अभी तक का मतलब मैं जो लाया हूँ सबसे बड़ा स्काई शॉट, देखो ये इतना बड़ा है, ठीक है। मेरे कैमरे पे भी फुल नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है, इतना बड़ा स्काई शॉट है। और ये बहुत मोटा भी है, और ये भी जावा का ही है। ये देखो कितना मोटा है ये, ऊपर से देखो ये कितना मोटा है ये देख रहे हो मतलब। चलो इस पे बढ़ते हैं, इसको पैक कर दो। अभी सबसे पहले तो रॉकेट, ये एक बड़ा वाला रॉकेट है, ये सबसे बड़ा वाला रॉकेट है, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम की चक्री, क्योंकि चक्री बहुत ज़रूरी होती है। अभी सिर्फ ये ना मतलब एक क्या हिस्सा है हमारे बाबू का, ये बल्ले बल्ले मतलब मटका नार होगा। ये देखो मटका नार ही है, बंद हो जा। हाँ, उसके बाद और ये कुछ लड़ियाँ हैं, मतलब 5 पैकेट हैं इनके, ये रखी हुई है अंदर। और ये है अनार, ये अनार है, ठीक है। अभी मतलब मेन थोड़ा बहुत लेके आए हम लोग, चक्री अनार फुल लड़ी है, देखो ये फुल लड़ी है, ठीक है। अभी बस इतना ही है, और अभी थोड़ी दिनों बाद और आने वाला है,